हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, किसी मनुष्य में एक्स एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाए तो उसके शरीर एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं पहले इसको आपको समझाऊंगी, लिखाऊंगी, ठीक है? आपने इसको रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए, यदि किसी मनुष्य में, ठीक है, यदि किसी मनुष्य में एक्स एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाए तो उसके शरीर में एक एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होने की वजह से, देखिए, ठीक है ना, इसमें क्या है, एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त यानी कि एक और होने की वजह से स्त्रियों जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होगा, देखिए, एक्स एक्स वाई गुणसूत्र में अगर एक और एक्स गुणसूत्र होगा, ठीक है ना, अतिरिक्त तो होगा, इसकी वजह से उसके लक्षण किस तरीके के दिखाई देंगे, स्त्रियों जैसे दिखाई देंगे। इसको क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर कहते हैं, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। अब देखिए, लक्षणों में क्या होगा, लक्षण में होगा पुरुषों में जननांग कम विकसित होंगे, व्रसण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, ठीक है, समझ गए, क्या होगा, जननांग कम विकसित होंगे और व्रसण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। इस तरह के पुरुष बद्ध यानी कि बांझ होते हैं और स्त्रियों की तरह शरीर पर कम बाल एवं स्तनों की वृद्धि होती है। समझ में आया, तो अब मैं इसे लिखूंगी, फिर एक बार और आपको समझाऊंगी।
तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया है, अब हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है एक्स एक्स वाई गुणसूत्र है, ये क्या है? आपका क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। क्या है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है बच्चों, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स एक्स वाई गुणसूत्र, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक्स एक्स वाई को क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और क्या होता है, 44 गुणसूत्र के साथ एक और एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है, तभी इसमें स्त्री और पुरुष के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक्स एक्स वाई जो गुणसूत्र है, इसमें क्या होता है, 44 गुणसूत्र में एक और एक्स जुड़ जाता है, तो इसीलिए इसमें स्त्रियों जैसे और पुरुष जैसे, यानी कि दोनों जैसे इसमें क्या है, दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये था आपका प्रश्न, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।